अच्छी तरह से फ्राई हो गया, इसको अभी निकाल रहे हैं। जितना ऑयल छूट जाएगा उतना अच्छा है, ज़्यादा ऑयल भी नहीं खाने का। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, विषय ब्लॉग में आप सबको स्वागत करता हूँ। आज हमारे घर पे झींगा बनाएंगे, आपको रेसिपी पूरा फिल वीडियो आपको दिखाऊंगा मैं। आपको झींगे का कैसे बनाते स्टार्टिंग से एंड तक मैं आपको रेसिपी बता देता हूँ। अभी हम लोग झींगा लाया है, ये देखो कितना बड़ा बड़ा झींगा है। ये झींगा आज इसका रेसिपी बनाएंगे। चलो देखो झींगा लाया, झींगा कितना बड़ा बड़ा झींगा। अभी अपना झींगा को क्लीन करके इसमें हल्दी और नमक डाल दिया है, इसको हाफ एन आवर रखना पड़ेगा। चूल्हा जलाने के लिए लकड़ा लेने के लिए ये रहा लकड़ा, ये लकड़ी से चूल्हा जलाएंगे। लेके मैं आपको दिखाता हूँ चूल्हा जला के, फिर ये बनाते हैं झींगा, झींगा रस्सा, झींगा करी। दोस्तों ये रहा चुंगड़ी झींगा, उसको आधा घंटा मेल्ट करके रखा है। इसमें हल्दी पाउडर और नमक डाला है। ये रहा कांदा, तो ज़्यादा बारीक बारीक काटा है। ये टमाटर, ये जो मसाला है ना उसमें अदरक लहसुन प्याज और थोड़ा सोरिस डालते हैं। इसको मेल्ट करके ग्राइंडिंग किया है, ये ऐसा कुछ ही है। इसमें एक टमाटर भी डाला है, तो इसका ही और एक अरे बॉयल आलू अभी मैं लाऊंगा। ये अभी कढ़ाई डाल दिया है इसमें, ये कढ़ाई अभी डाल दिया है। तो दोस्तों ये आलू को हम ऑयल में फ्राई कर रहे हैं क्योंकि इसका कच्चापन निकल जाता है और टेस्ट भी लगता है। इसके लिए झींगा में ये ऑयल कर आलू को फ्राई करके डालते हैं। आएगा बॉयल आलू, इसमें तेल में फ्राई किया गया है, ये बॉयल आलू है। अब ये कढ़ाई गरम हो गया, तेल भी गरम हो गया, अभी ये झींगा डालेंगे। अभी ये पूरा डाल दिया है, इसको अभी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ये आया, इसको अंदर से पानी निकलेगा, अभी इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे तो पानी निकलेगा। झींगा को पलट के उसको ये कर रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं। अभी प्रिया जी आ गए इधर बनाने के लिए। अभी प्रिया जी का झींगा करी बनाएंगे, और उड़िया में बोलते हैं चुंगड़ी छोड़ो, अभी बनाएंगे। ये सब इंटरियल है, उधर साले जी हंस रहे। ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया, इसको अभी निकाल रहे हैं। जितना ऑयल छूट जाएगा उतना अच्छा है, ज़्यादा ऑयल भी नहीं खाने का। अभी ये रिफाइंड ऑयल थोड़ा डाला है और मस्टर्ड ऑयल थोड़ा डालेंगे इसमें। बस 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 और कुछ मत डालो, हो गया। ये अभी तेल गरम हो गया, इसमें क्या क्या डालेंगे अभी देखते हैं। प्रिया जी सरसों डाला है, अभी सरसों जीरा प्याज, इसके बाद थोड़ा प्याज डाला है, ये रहा प्याज। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, प्याज को थोड़ा अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इनके घर में नॉनवेज नहीं बनता है, इसके लिए चूल्हा में बनाया जाता है।
रहा झींगा, इसका टेस्ट भी कुछ अलग है। चूल्हे का टेस्ट अलग है, इसके लिए चूल्हे में बना रहे हैं। अभी प्रिया जी झींगा करी बनाएंगे, देखते हैं कैसा बनाते हैं इसको। प्याज को अच्छी तरह से लाल होने देने के बाद उसमें ये मसाला का पेस्ट डालेंगे, उसके बाद टमाटर, उसके बाद जो भी डालेंगे आपको मैं एक एक करके दिखाऊंगा। ये मसाला डाल दिया इसमें, इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको फ्राई करेंगे। अभी ये मसाला लास्ट में थोड़ा पानी लेके देंगे। अभी फिलहाल के लिए ये क्या मिर्ची का पाउडर, ये थोड़ा मिर्ची का पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर, फिर ये आया हल्दी का पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा नमक डालेंगे। थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि उसमें नमक ये रहता है, बहुत हो जाएगा नमक। उसके बाद इसको मिक्स करेंगे। करो प्रिया जी मिक्स करो। यस, अभी उसका कलर चेंज हो गया है। टमाटर डालेंगे, अभी टमाटर प्याज ही डाल रहे हैं, इसका भी फ्राई करेंगे। दोस्तों ये भी डालेंगे, ये क्या है आप कमेंट में बताना। ये आम को सुखा के इसे बनाते हैं, खट्टा जैसे लगता है, इमली जैसे बोलते हैं, अपने इधर आंबुलो बोलते हैं और हिंदी में इमली बोलते हैं, मे भी आप कमेंट करके बताना हिंदी में क्या बोलते हैं। इसको भी डालेंगे। दोस्तों अभी फ्राई झींगा बन गया है, उसमें मैं एक एक करके 4-5 खा लिया, इसका टेस्ट कुछ अलग ही है क्योंकि प्रिया जी अभी बना रहे हैं जो ना, उसमें बहुत कम ही लाया था, आधा किलो लाया था, तो इसके लिए मैं अभी 3-4 खा लिया है, तो गुस्सा कर दिया। अभी खाओगे तो बाद में खाने में क्या मिलेगा, इसके लिए थोड़ा बचा के रखना चाहिए। चलो आज देखते हैं प्रिया जी का रात के खाना हुआ। आज खाना बना रही है झींगा करी, बड़ा अच्छी तरह से पक गया है, उसको अभी पानी देंगे। यह अभी पानी दे दिया है, उसको अभी 10 मिनट पकने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद ये आलू और ये भी अभी डालेंगे, झींगा भी बाद में डालेंगे, और ये अभी इमली डाल रही है एक, उसको बोलते हैं उड़िया में आम्बुलो, खट्टा रहेगा थोड़ा, इसके लिए डालते हैं। इसको छोड़ देते हैं 15 मिनट के लिए, उसको पकने दो, ढक्कन लगा के छोड़ देने का, ठीक है। उसके बाद हम ये डालेंगे दोनों, आलू और ये। जी बोल रहे हैं 15 मिनट बचपना नहीं जा रहा है, बचपना नहीं जा रहा है। यूट्यूब बनाना एक बचपना है क्या? यूट्यूब बनाना बचपना नहीं है, मेरा ये शौक है। यूट्यूब ज़्यादा चल, ये बचपना नहीं है, मेरा शौक है। मैं भी यूट्यूब देख के ही इंस्पायर होके कर रहा हूँ, मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा, बस एक एक मेमोरी रहेगा और आगे जो भी रहेगा व्यूज बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा ना। और अपना वीडियो कोई भी बनाता है तो डिलीट हो जाता है, यूट्यूब में डालेंगे तो ज़िंदगी भर वो वीडियो रहेगा, याद रहेगा और देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हो। और
घूमना पसंद है ज्यादा। घूमना ये बचपन है क्या? आप उसको मेरे को कमेंट करके बताना। बचपन है, फैमिली के साथ घूमना तो बचपन नहीं है ना, और अकेले घूमना तो। अभी हम लोग फिलहाल केदारनाथ और सायरी डिसाई गए थे, तो अकेले गए थे ना, मेरे को छोड़ के अकेले गए थे, इसके लिए बोल रहे है की बचपन है। दोस्तों ये बचपना नहीं है, और कभी भी एक भी पैसा भी नहीं रखते हैं इनके पास, खर्चा हो जाता है, जो भी खर्चा ही कर देते हैं। ये मैं ज्यादा नॉनवेज पसंद करती है। नॉनवेज में ज्यादा पसंद क्यों करता हूँ, क्योंकि मेरे घर में जो बचपन से नॉनवेज बनता था, इसके लिए मेरे को नॉनवेज बहुत पसंद है, और बनाना भी, कुकिंग भी मेरे को बहुत पसंद है। मैं अगले वीडियो में आप देखेंगे, मैं बिरयानी बनाऊंगा, चिकन बिरयानी, उसका भी रेसिपी आएगा। अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना हमारे चैनल को, और हमको सपोर्ट भी करना। ओके, तो दोस्तों ऐसे ही सपोर्ट करो हमको आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ाओ, और जितना व्यूअर्स बढ़ेगा, लाइक और सब्सक्राइब बढ़ेगा, तब इतना मैं और वीडियो बनाऊंगा, और आगे और भी अच्छा अच्छा मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो। अभी हमारा बेटा प्रियांशु आ गए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, ये भी बोल रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अभी ये झींगा बन रहा है, इसको अभी खा के टेस्ट प्रियांशु बताएंगे। इधर खाने के लिए कैसे तड़प रहे, खाने के लिए आ गया बेटा हमारा प्रियांशु। ये प्रियांशु, ये हमारा फैमिली है, छोटा सा फैमिली है। प्रिया जी, प्रियांशु, विश्वई, चिंकू विषय, इसके लिए अपना नाम सब्सक्राइब, यूट्यूब चैनल का नाम रखा है विषय ब्लॉग। अभी हम लोग ये पक गया है, इसको ये झींगा और आलू डालेंगे, क्योंकि ये मसाला भी पक गया है। ये प्रिया जी ये डाल रहे हैं, इसको खाना है, जल्दी आ जा हमारे आज झींगा बना रहे, किसको खाना है जल्दी आ जाए, इनवाइट कर रही है प्रिया जी, देखते इतना कम बनाए और सबको दे देगी। इसको अब एक 5 मिनट पकाएंगे, फिर इसको 5-10 मिनट पका के इसको, इसके बाद ये मसाला, चिकन मसाला इसको डालेंगे इसके अंदर, फिर निकाल देंगे जो भी मसाला। फाइनली ये अपना झींगा करी रेडी हो गया है, ये दिखाती हूँ, ये रहा झींगा करी रेडी, एक फोटो ले लेते हैं। अपना खाना खाने के लिए हम लोग बैठ गए, ये रहा राइस दो जन का, झींगा करी, ये झींगा करी है, ये प्रियांशु भी ट्राई करने के लिए सोच रहा है खाने के लिए, ये प्रिया जी भी बैठे हैं। प्रियांशु खाएगा, थोड़ा सा खा रहा है, राइस खा रहा है, मगर इसको झींगा नहीं दे सकते क्योंकि बहुत तीखा है और ये छोटा है अभी। अभी हम लोग खाना ट्राई कर रहे हैं खाने के लिए, कैसे लगे रेंसु भी आ रहे हैं खाना खाने के लिए, हम तो उसको ये नहीं दे सकते। अपना ये आ गया है राइस, दाल, सब्जी और तो दोस्तों आगे के ब्लॉग में नया नया रेसिपी आपको दिखाऊंगा। तीन दिन